श्रेयसी हूँ। हिंदुस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी करती हूँ। एक ऐसे परिवार से आती हूँ जिन्होंने बांका पूरे बिहार का विकास करने का प्रण लिया है और काम करना चाहते हैं। हमारे पिताजी जब तक थे तब तक निरंतर विकास का काम करते रहे। आप लोग उनके रेलवे लाइन से परिचित हैं, उनके बॉटलिंग प्लांट से परिचित हैं, जो उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाए और जो अभिजीत ग्रुप जैसा प्रोजेक्ट जो वो लाना चाहते थे। कई उनके अधूरे सपने थे जो पूरा नहीं कर पाए। 2010 में वो गुजर गए। उनके गुजर जाने के बाद हमारी माँ पुतुल कुमारी ने ये संकल्प लिया कि वो उनके सपनों को, बांका के विकास करने के सपनों को पूरा कर सके। 2014 का चुनाव 5 साल पहले हम लोग हार गए थे। इच्छा रखते हुए, काम करने की इच्छा रखते हुए हम लोग कोई काम नहीं कर पाए क्योंकि प्रशासन अनुमति नहीं देता। एक बार फिर से हम लोगों के सामने लोकसभा का चुनाव है। हम आप लोगों से एक ही अपील करते हैं कि अपना प्रत्याशी अपने सूझबूझ से, अपने समझ से सही प्रत्याशी का चुनाव करें। और मुझे आप लोगों पर यकीन है कि आप लोग पुतुल कुमारी जी को ही चुनेंगे क्योंकि आप लोगों ने उनका काम देखा है। आपको पता है कि वो ऐसे परिवार से आती है जिन्होंने बांका का साथ कभी नहीं छोड़ा। हारने के बाद भी वो आप लोगों के बीच थी। जीतने के बाद बस एक अंतर होगा कि जो काम वो करना चाहती हैं वो काम वो आप लोगों के लिए कर पाएंगी। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना महत्व वोट दीजिए और 18 तारीख को गैस सिलेंडर छाप पे हमें विजय बनाइए। धन्यवाद। एक और सूचना हम आपको बता दें, ईवीएम का जो मशीन होता है वो कुछ इस तरह से होगा। कुल मिलाकर 21 प्रत्याशी हैं, उनमें से पुतुल कुमारी का स्थान 13वें नंबर पे होगा। फोटो होगा, आप लोग सब लोग पहचानते हैं पुतुल कुमारी को, थोड़ा जोर से बोलिए। उनका नाम होगा और साथ में कौन सा छाप? सिलेंडर छाप। जोर से। और नीला बटन होगा जिससे आपको बटन दबाना है और वोट देना है। सब लोग समझिए, 13वां स्थान पे पुतुल कुमारी का फोटो, गैस सिलेंडर छाप और नीला बटन। एक बार हमारे साथ बोलिए, पहले मतदान फिर जलपान। बोलिए, पीछे बहुत सारे युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। हम आप लोगों से पूछते हैं किसको अपना प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं। अलग अलग और कुछ लोग देर से बोले, कोई कंफ्यूजन है क्या? आने वाला कल आप लोगों का है। एक सुंदर भविष्य के लिए एक सही प्रत्याशी को चुनिए।